एवरीवन, हेलो, वेलकम बैक। सो आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैं अपना डेली रूटीन का जो मेकअप है, लाइक डेली मेकअप जो बेसिक मैं करके जाती हूँ, लाइक नॉर्मली मुझे जहाँ भी जाना होता है, लाइक बेसिक मेकअप मैं कैसे करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये मॉइस्चराइजर लगाती हूँ जो ये फिक्स डर्मा का है, एंड इट्स रियली वेरी नाइस और बहुत हाइड्रेट लगता है स्किन पे। तो इसको आपको बस इतना सा यहाँ से लेना है एंड प्रॉपरली अच्छे से, अरे शांति नहीं रखते हमारे घर के बच्चे, इतने बेकार है। बाबू शांति रखो ना प्लीज, क्या व्हाट हैपेंड? ओके आई अंडरस्टैंड। तो मैं इसे अपने फेस पे अच्छे से ये अप्लाई करती हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो मैं अभी अपने आईब्रोज के पास में इसे बहुत डेलिकेटली लगाऊंगी, बिकॉज अभी मैंने अपने आईब्रोज का जो ट्रीटमेंट करवाया उसके लिए मैं अभी कुछ आस पास नहीं यूज कर सकती। वेरी नाइस। एंड यू नो, जब मेकअप आप करते हो तो उससे पहले आपकी स्किन लिटरली ऐसी ना चिपचिप जैसी दिखनी चाहिए, यू नो, ऐसा प्रॉपर मॉइस्चराइज होनी चाहिए, हाइड्रेटेड होनी चाहिए, उसके बाद ही आपका मेकअप अच्छा होता है। और उसके बाद में मैं ये लगाती हूँ, लाइक आई हैव दिस फॉरएवर 52 का ये पैलेट। इसमें से लाइक नॉर्मली रोज नहीं जरूरत पड़ती है, बट समटाइम्स जैसे आज मुझे यहाँ पे एक पिम्पल हुआ है, तो मैं इसे हल्का सा इसे ना हाइट, ये जो ऑरेंज कलर का जो है ना टेक्सचर, उससे मैं इसे हल्का सा ऐसा हाइड करूंगी। इसे आप अपने अंडर आई में भी यूज कर सकते हो, और जहाँ पे भी आपको ऐसे डार्क पैचेस या कैसा कुछ है तो आप वहाँ पे इसे यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे सिर्फ, मुझे अभी यहाँ पे जरूरत है, मुझे ज्यादा कुछ लाउड मेकअप नहीं करना है, तो बहुत मिनिमल रखना है, बहुत लाइट सा। तो ये मैं इसे ऐसा ही रखने वाली हूँ, इतना किया डेक्टेड। एंड उसके बाद में आई हैव दिस ब्यूटी पाई, उसके बाद में आई हैव दिस शुगर की स्टिक जो नंबर 10 है, एंड आई लव दिस। इसका जो टेक्सचर है वो बहुत अच्छा है, एंड जो इसका कलर है वो मेरे फेस के हिसाब से इट्स वेरी गुड, सो मुझे ये बहुत पसंद है, तो मैं ये यूज करती हूँ। तो इसे मैं जस्ट लाइक दिस ऐसे ही अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। आई डोंट नो द प्रॉपर टेक्निक्स ऑफ मेकअप, बट मुझे जैसे आता है मैं वैसे कर लेती हूँ, इट्स लाइक दिस। थोड़ा सा ना मैं यहाँ पे भी करती हूँ, बिकॉज ना मुझे ऐसा लगता है कि आईब्रो, मतलब ये हमारी जो आई शेडो की जो है, अगर हम आई शेडो करने से पहले प्रॉपर अगर बेस करेंगे तो हमारा जो आई शेडो होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुली निकल के आता है। और अभी इससे मर्ज करने के वजह से तो बहुत सारे तरीके होते हैं, पर मेरे पास एक स्पंज भी है और मैं समटाइम ब्रश भी यूज करती हूँ। वैसे इस स्टिक के साथ भी हमें यहाँ पे ब्रश दिया हुआ है, बट आई नेवर यूज दिस, पता नहीं मुझे ये कम्फर्टेबल नहीं लगता, मैंने कभी यूज नहीं किया ऐसे, इट्स वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर मी। सो समटाइम आई यूज दिस ब्रश एंड समटाइम आई यूज दिस, डिपेंड ऑन माई मूड। सो अभी आप देख रहे हो मैंने पूरा जो है बेस अच्छे से रेडी कर दिया है, एंड आईब्रोज के आसपास अभी भी मैंने कुछ नहीं किया है, बिकॉज अभी मुझे वहाँ पे कुछ भी लगाना अलाउड नहीं है। सो ये पूरा एक इक्वल टोन दिख रहा है फेस का, ठीक है। अब हम इस पे लगाएंगे, वैसे इट्स नॉट नेसेसरी, दिस इज ऑल्सो माई मूड, लाइक मैं कभी लगाती हूँ कभी नहीं लगाती, माई हैंड्स आर स्टिकी, तो मैं कभी लगाती हूँ कभी नहीं लगाती। सो ये फॉरएवर 52 का कंसीलर है जिसे मैं यहाँ पे हल्का सा आज लगा लेती हूँ। वैसे आई एम नॉट दैट कंसीलर पर्सन कि मुझे डेली लगाना है, या मतलब हाइलाइटर और समथिंग, आई एम नॉट दैट पर्सन, बट समटाइम्स अगेन आई से इट्स अपॉन माय मूड। हार्मोन्स चेंज होते हैं, नींद पूरी नहीं होती है, स्ट्रेस होता है, तो बहुत सारी चीज़ों से हमारे अंडर आई के नीचे ना थोड़ी सी ब्लैक हो जाती है अंडर आई, तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है, बट ठीक है, अगर नहीं भी लगाओगे तो इट्स ओके, ऐसा कुछ नहीं है। सो इट्स डन। अब इसके बाद मैं हमेशा यूज करती हूँ मेरा ये आईब्रो पेंसिल जो शुगर का है, एंड आई लव दिस, इट्स अमेजिंग। या जो स्टिक पेंसिल जैसी रहती है ये सच में बहुत ही अमेजिंग है और बहुत अच्छी है लाइक यूज करने के लिए।
एंड बहुत इजी टू यूज है, आप कैरी कर सकते हो अपने बैग में। इस तरफ इन्होंने एक ब्रश दिया है जिसे आप अच्छे से मर्ज कर सकते हो, बट अभी मुझे ऐसे इसकी जरूरत नहीं है, सो आई एम नॉट यूजिंग दिस। एंड नाउ अब बात आती है आई शेडोज की, जो मैं एकदम मिनिमल और लाइट सा रखना चाहती हूँ। सो इसके लिए मैं यूज करूंगी दिस लैक्मे 95 आई शेडोज आई है, उसकी मेरे पास दो तीन पैलेट्स हैं। जो अभी मैं यूज करूंगी दिस पिंक एंड थोड़ा सा कुछ ही, लेट्स सी, देखते हैं। ये मैं कभी सोचती नहीं हूँ, जैसे जो अच्छा लगता है मैं वैसा कर देती हूँ, आई एम नॉट द प्रो। सो ये हो गया, अभी मैं ये वाला एक ब्रश लेती हूँ एंड फिर यही जो मैंने शेड ऊपर लगाया उससे ये, दिस इज माय हैबिट, मैं ऐसा करती हूँ, मैं पूरी आईज के नीचे बिना इससे पूरी एक अंडरलाइन जैसा एक बनाती हूँ। मुझे ये बहुत ही प्यारा लगता है बनाना, आई जस्ट लव दिस। ये मैं अपने हर मेकअप में ऐसा ही करती हूँ। हो गया गाइस, सी अंडर आई के नीचे। अभी मेरे पास ये एक शुगर का हाइलाइटर है जो बहुत ही प्यारा है, थोड़ा खत्म भी हो गया। सो ये मैं लेती हूँ एंड इससे मैं एक ब्रश करती हूँ जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मेरा ब्रश कहाँ गया? नाउ दिस ब्रश, इससे बस हल्का सा ऐसा लेना है, देन इसे डैप करना है ये करके एंड मेरी इसे ये कॉर्नर पे यहाँ से हल्का सा ये करके। और अरे कितनी आवाजें करते हो यार, हमारे घर में छोटा बेबी है ना, सब उसको खिलाते रहते हैं। सो गाइज ये इतना हो गया है, अब मैं इस पे लगाऊंगी मस्कारा। लाइनर्स मुझे कुछ खास पसंद नहीं है तो मैं लाइनर मोस्टली अवॉइड करती हूँ, कभी जब मूड होता है तब लगाती हूँ, अदरवाइज डिपेंड ऑन माय मूड अगेन। सो मस्कारा आई एम यूजिंग दिस फॉरएवर 52 एक्सल एंड इट इज अमेजिंग, ट्रस्ट मी, बहुत अच्छा। मैंने एक बार इसे यूज किया था, उसके बाद से मैंने इसे आज तक चेंज नहीं किया। सो आई जस्ट लव दिस, देखा मस्कारा लगाने के बाद आंखें कैसी थोड़ी सी चेंज हो गई ना। सो ये हो गया मस्कारा एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ब्लश, नहीं अभी तो बहुत कुछ है यार। सो अभी मैं करूँगी ये कलर बार का है मेरे पास कॉन्टोरिंग, मुझे थोड़ी सी डार्क पसंद है। सो ये है मेरा ब्रश एंड मुझे ये नोज पे एंड तो मुझे कॉन्टोरिंग बहुत पसंद है, मुझे एकदम प्रॉपर वेल शेप्ड पसंद है अपने फेस का जो भी लुक है वो। और ये है चारमेसी का ब्लश ऑन, वेरी ब्यूटीफुल शेड। इसे मैं यू लिया ऑलमोस्ट डन, अब बस लिपस्टिक जो बाकी है लास्ट। सिल्वर काजल है जो मैं अंदर डालती हूँ क्योंकि मुझे ब्लैक काजल कुछ खास पसंद नहीं है, तो ये मैं सिल्वर काजल अपनी आंखों के अंदर इस तरीके से। तो ये सिल्वर काजल, दिस इज ऑल्सो डन। अब से लिपस्टिक बची है जो मैं आपको बताती हूँ, दिस इज माइग्लैम की। ये माइग्लैम का जो है वो लिप लाइनर है जिसका शेड मुझे बहुत पसंद है। इसका नंबर आई डोंट नो, एक्चुअली मिटी गया, मुझे नहीं पता इसका नंबर क्या है। माइग्लैम की लिट मैट लिप लाइनर पेंसिल ईगल, आई थिंक दिस इज द कोड। मुझे लिपस्टिक भी एकदम प्रॉपर शेप्ड पसंद है, जो मैं सबसे पहले ना ये आउटलाइन करती हूँ देन उसके बाद मैं अप्लाई करती हूँ। ये शुगर की लिपस्टिक है मेरे पास जो बहुत ही अच्छी है एंड इसका नंबर है नंबर शेड नंबर 10 रोजी पिक्चर्स। ये अप्लाई करती हूँ, देखना इसका शेड कितना प्यारा है। सो यस आई एम ऑल सेट एंड अब मैं जल्दी से चेंज कर लेती हूँ, देन विल डू द हेयर।
सो गाइस आई एम रेडी। मैंने अपने हेयर को थोड़ा सा क्रिम्पिंग किया है और बाकी ऐसे ही छोड़ दिया, मुझे आज ऐसे ही रखने हैं। सो गाइस आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।